हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम एचटीएमएल के अंदर देखेंगे वो देखेंगे दैट इज आई फ्रेम्स। आपके जो आई फ्रेम्स होते हैं वो किस लिए होते हैं कि आप इनलाइन फ्रेम्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा पाओ। अब चाहते हो कि आपका एक डॉक्यूमेंट है, दैट मीन्स एक ब्राउजर पर आप तीन डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले कराना चाहते थे। सपोज आप ऐसे चाहते थे, आप चाहते थे एक डॉक्यूमेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाए, एक डॉक्यूमेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाए, एक डॉक्यूमेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाए, दैट मीन्स तीन इनलाइन फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो या मल्टीपल आप इनलाइन फ्रेम कर सकते हो। जितने भी आप चाहो उतने आप इनलाइन फ्रेम कर सकते हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी आप इनलाइन फ्रेम अपना प्लेस कर सकते हो। आप उसकी विड्थ और हाइट उसका दे सकते हो कि उसकी विड्थ कितनी होगी और उसका हाइट कितना होगा। चलिए अपने इनलाइन फ्रेम्स को, जब एचटीएमएल 5 से पहले जो आपके पास थे वो फ्रेम टैग था और फ्रेम सेट आप यूज करते थे, लेकिन HTML 5 के बाद से या HTML 5 से आप जो फ्रेम यूज करते हो दैट इज आप आई फ्रेम यूज करते हो, दैट इज इनलाइन फ्रेम। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करकर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास टैग होता है दैट इज कॉल्ड आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर आप एट्रीब्यूट देते हो दैट इज सोर्स, किस फाइल को आप यहां पर डिस्प्ले कराना चाहते हो। मैं यहाँ पर मेरे पास एक ही फाइल है, दैट इज अभी लोकेशन डॉट html, उसको ले लेता हूं। देन आप इस फ्रेम के अंदर एट्रीब्यूट दूसरा देते हो दैट इज हाइट, इस फ्रेम की हाइट कितनी होगी। तो मैं यहां पर दे दे रहा हूं दैट इज 200 और इसकी देन आप क्या देते हो दैट इज कॉल्ड विड्थ, वो कितनी होगी। सपोज मैं इसकी दे देता हूं इसकी विड्थ 300 होगी। सिर्फ अभी इतना ही मैं देता हूं। एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड टाइटल। टाइटल मैं यहां पर दे देता हूं दैट इज आई फ्रेम एग्जाम्पल। आपको पता होगा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आपका जो एलिमेंट होता है एचटीएमएल का, जो टैग होता है उसका एट्रीब्यूट होता है टाइटल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपका जो स्क्रीन रीडर होता है वो क्या करता है, जो टाइटल के अंदर वैल्यूज होती है उसको डिस्प्ले दैट मीन्स रीड कर बता देता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं अपने ऑनलाइन लाइव सर्वर पर देखते हैं। ऑन हो रहा है अभी, तो हमारा यहां पर आ गया दैट मीन्स अब हमारे पास क्या रहा है, लोकेशन डॉट टीएक्सटी हमारी फाइल जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर लोकेशन डॉट टीएक्सटी का जो फाइल है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। देख लेते क्यों नहीं हो रही है। मैं अभी क्या करता हूं, मैं इसको /d:// टेस्ट डॉट html को ओपन करता हूं। html फोल्डर के अंदर है, सॉरी HTML फोल्डर के अंदर है। तो अभी यहां पर हमारी लोकेशन डॉट txt ओपन नहीं हो रही। हम देख लेते हैं लोकेशन डॉट txt के अंदर हमारे पास कुछ है भी या नहीं है। अगर होता है तो जब ही तो ओपन होगी। तो मैं अपने क्या करता हूं लोकेशन डॉट txt को लाइव सर्वर पे ऑन करता हूं, तो रही है। ये फाइल तो ओपन हो रही है, दैट मीन्स यहां पर हमारे हमने कुछ गलत दे रखा है। देख लेते हैं इसको, SRC दे रहा था, SCR दे रखा हमने। तो हमारी लोकेशन डॉट txt यहां पर ओपन हो गई है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको यहां पर काम करना शुरू कर देगी। That means, iframes के क्या हो रहा है, इसकी जो width है इस iframe की कितनी है that is 200 और इसकी जो height है वो मैंने कितनी दे रखी है that is 300 दे रखी, sorry width जो मैंने दे रखी वो 300 दे रखी और height 200 दे रखी है। अगर आप देखिए मैं आपको width बढ़ाता हूँ और इसको save करता हूँ तो इसकी width increase हो गई। अगर आप height increase करना चाहोगे तो आप height भी increase कर सकते हो। आप अपने पेज के अंदर अब मल्टीपल iframes दे सकते हो, Ctrl+C। और मैं यहां पर क्या करता हूं दैट इज होम एंटर, एक आई फ्रेम और दे दिया और एक आई फ्रेम और दे दे रहा हूं।
अब जितने चाहते हो उतने आई फ्रेम्स यहां पर क्रिएट कर सकते हो। एक आई फ्रेम हो गया, दूसरा आई फ्रेम हो गया और तीसरा आई फ्रेम हो गया। अब इसकी पोजीशनिंग आपको करनी है, क्या आपको ये किस पोजीशन पे चाहिए और क्या करना है, इसको भी हम कर देख लेंगे। तो आपको पता चल गया आई फ्रेम की, ये आई फ्रेम कैसे आप यूज करते हो, विथ और हाइट प्रॉपर्टीज की आपने देख ली। आगे देखते बाय डिफॉल्ट आप एक चीज देख सकते हैं कि आई फ्रेम के साथ क्या रहा है, बॉर्डर्स आ रहे हैं। आप चाह रहे ये बॉर्डर नहीं आए तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज स्टाइल इक्वल्स टू या बॉर्डर कोलन नन कर दोगे। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज एक का ले लेते हैं हम यहां पर, दैट इज किसी भी जगह ले लेते हैं, दैट इज टाइटल से पहले लेता हूं, दैट इज स्टाइल इक्वल्स टू और यहां पर देता हूं मैं बॉर्डर कोलन, दे दिया मैंने दैट इज नन। पहले वाले के अंदर मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या दे दी, दैट इज नन दे दिए। तो आप देख लेते, देखिए पहले वाले के अंदर बॉर्डर गायब हो गया। आपको ये पता चल रहा है किसी फाइल से आप डिस्प्ले करा रहे हो, कहीं से भी आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप किसी फाइल से डिस्प्ले करा रहे हो। तो ऐसे आप इनकी बॉर्डर प्रॉपर्टीज अगर आप हाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये डिस्प्ले नहीं कराओगे बॉर्डर प्रॉपर्टी, तो आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आप अपने सिंगल पेज के अंदर मल्टीपल फाइल से आप कंटेंट्स डिस्प्ले करा रहे हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बॉर्डर प्रॉपर्टी। ऐसे आप अपने आई फ्रेम्स को किसी भी टारगेट पे ओपन करा सकते हो। जैसे आपको यहां पर क्या है, दैट इज आई फ्रेम src इक्वल्स टू डेमो डॉट html नेम, अपने आई फ्रेम का एक नाम दोगे, टाइटल आपने जो भी देना था वो दे दोगे। अब यहां पर क्या आएगा, आपने एक लिंक बना रखा है और उस लिंक को क्या है आई फ्रेम में किस जगह ओपन करें, जिसमें जो भी आपने आई फ्रेम का नाम दे रखा है। सपोज मैं यहां पर कर लेता हूं, मैं यहां पर सोर्स में से कुछ भी हटा देता हूं, फिर यहां पर दे देता हूं डेमो डॉट html को, कोई ऐसी फाइल देता हूं अभी नहीं है, और मैं यहां इसको दे देता हूं फ्रेम का नाम एक दे देता हूं नेम इक्वल्स टू इनवर्टेड में एबीसी, इसका नाम मैंने दे दिया एबीसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पी टैग बना रहा हूं। पी टैग के अंदर मुझे क्या करना था, देखिए मुझे एक हाइपरलिंक रेफरेंस क्रिएट करना है कि मैं उस पर क्लिक करूं तो लोकेशन डॉट txt इस फ्रेम के अंदर ओपन हो जाए। तो मैं एक पी टैग के अंदर या ए टैग ले लेता हूं, पी टैग के अंदर ए टैग ले रहा हूं, ए एच आर ई एफ दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस, आपने लिंक एट्रीब्यूट कराया था। तो हमारे पास कहां पर है, दैट इज डी कोलन के अंदर बैक स्लैश html फोल्डर के अंदर है बैक स्लैश लोकेशन डॉट html नाम की फाइल है, या फिर अगर मैं पाथ भी नहीं देता हूं तो क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है तो ये ओपन कर देगी। और यहां पर हम देखिए एक चीज और दे रहे, टारगेट उसका नाम दे दे रहे हैं, दैट मीन्स उस आई फ्रेम का नाम। अब ये ओपन कहां पर हो, दैट इज टारगेट, हमारे पास आई फ्रेम का नाम हमारा क्या है, दैट इज एबीसी, एबीसी के अंदर ये ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या लिखना था, दैट इज यहां पर अपने उसको नाम दे दिए, एक लिंक का नाम दे दिए, क्लिक हियर, ठीक है, या कुछ भी आप दे देंगे। तो अभी देखिए मैं ब्राउजर में आपको दिखा दे रहा हूं और मैं इसको यहां सेव करता हूं। आपका एक यहां पर क्या रहा होगा, क्लिक हियर का लिंक आ रहा होगा, जब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सेकंड वाले फ्रेम के अंदर, आई फ्रेम के अंदर वो फाइल लोकेशन डॉट txt ओपन हो जाएगी। लोकेशन, लोकेशन की स्पेलिंग गलत है, इसीलिए ओपन नहीं हो रही है। मैं ये सारा पाथ भी हटा देता हूँ, हो सकता है आपको यहां से नहीं मिल रही हो,
मैंने कहीं और सेव कर रखी हो। अभी तो इसको डेमो डॉट एच टी एम एल नहीं मिल रही, देखिए आगे ये फाइल, क्योंकि शायद किसी और फोल्डर में मैंने दे रखा था। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो किस फोल्डर के अंदर आ रहे, दैट इज सेकंड वाले आपके रफ आई फ्रेम के अंदर आ रही है। इस फ्रेम को मैंने क्या नाम दे रखा था, एबीसी। जब भी मैं इस क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो लोकेशन डॉट एच टी एम एल किस वाले फ्रेम के अंदर ओपन हो रही है, आई फ्रेम के अंदर, दैट इज एबीसी नाम के जो आई फ्रेम है उसके अंदर ओपन हो जा रही है। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपकी फाइल ओपन हो जा रही है। क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो आज जो हमने करके देखा वो क्या करके देखा, दैट इज आई फ्रेम्स हमने कर देखे कि आई फ्रेम्स आप कैसे बनाते हो, आई फ्रेम्स आप कैसे क्रिएट करते हो, आई फ्रेम्स के अंदर से बॉर्डर आप कैसे रिमूव करते हो, आप टारगेट एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हो, विथ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर, आई फ्रेम्स वाले टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।